अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे पास आपके लिए एक शानदार सल्यूशन है, सुनना चाहेंगे? सल्यूशन? वो भी मेरे लिए? बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? सच सच बताओ, क्यों आए हो यहां? क्या उगलवाना चाहते हो? रजत ने भेजा है ना तुम्हें, ताकि तुम मेरे आगे की प्लानिंग जान सको? भाभी यकीन करिए मुझ पर, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं। पर क्यों? मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह जानती हूं। अरे बिना मतलब के तुम अपनी खुद की मदद ना करो, मैं तो बहुत दूर की चीज हूं। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? इस कमरे का दरवाजा कहां है? अनमोल रुको। अनमोल क्या? अनमोल मेरा हाथ। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? अनमोल लग रही है मुझे। अनमोल, अनमोल हिलना बंद करो। अब तुम चुपचाप रहना, मैं कर लूं। क्योंकि मुझे अनमोल चाहिए और भाई ने अनमोल को मुझसे छीना है। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि दोनों मजबूरी में शादी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल सही थी, दोनों यही चाहते हैं। भाभी अनमोल ने अपने दिल की बात कबूल भी कर ली है मेरे सामने, पागलों की तरह प्यार करने लगी है वो उनसे। रजत जी, अनमोल सारी तैयारी हो गई? रजत बेटा, सबको इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला लिया? एक दो दिन बाद बुला लेते। जरूरत थी मां, दीवू की कस्टडी के लिए। मां, कस्टडी का केस जीतना मेरे लिए इतना आसान नहीं। माना मेरे पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पिता हूं और कोर्ट में आज भी मां का पलड़ा पिता से ज्यादा भारी होता है। इसीलिए मुझे हर तरह से तैयार रहना होगा। सोचिए, कल को अगर कोर्ट में गवाहों की जरूरत पड़ी, दीवू के टीचर्स, दीवू के फ्रेंड्स के पेरेंट्स, ये सब हमारे पक्ष में गवाही दे सकते हैं। मां, मैं अच्छा पिता हूं ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट नहीं जानता। उन्हें बताना होगा और उसके लिए गवाहों की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने सबको बुलाया। दीवू के केस में मैं ना ही इंतजार कर सकता हूं और ना ही कोई चूक। मुझे तुम पर विश्वास नहीं, फिर भी प्लान बताओ। थैंक यू सो मच, आपने हमें जगह और समय दिया रिहर्सल के लिए। सच में, अगर हमारे स्कूल में पेस्ट कंट्रोल ना हुआ होता तो हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते। थैंक्स टू रजत जी। वैसे वो है कहाँ? वो ऊपर है, हम उन्हें बुला कर लाते हैं। जी।
अचानक से मुझे चक्कर क्यों आने लगे? भाभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो भाई सिर्फ खुद लड़खड़ाए, बहुत जल्द उनकी जुबान भी लड़खड़ाएगी, फिर देखिएगा तमाशा। और आज जो टीचर्स बुलाया ना इन्होंने, वो आपकी गवाह बनेगी। कोर्ट में ये कहेगी कि रजत चौहान कितना बड़ा नशेड़ी है, कितना बुरा पीता है। बस आपका काम तो हो गया, अब हुआ विश्वास? तुम तो काफी तेज निकले रजत जी। वो बिगड़े नवाब वो सब आपको बुला रहे हैं, ये लीजिए आपके कपड़े और जल्दी से सिंटा की लॉस बन जाइए। अनमोल बेटा। हाँ माँ, बस आ ही रहे हैं। बिगड़े नवाब ये रहा आपका कपड़ा, जल्दी से सिंटा की लॉस बनकर नीचे आ जाइए, लीजिए। अनमोल, सुनहरी जी प्लीज रजत जी को जल्दी बुलाइए ना जी। हाँ हाँ वो आ ही रहे हैं बस। मैं आ गया। ये लो बच्चों चॉकलेट। ये लो बच्चों। अरे सुधा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी बोला ना। वैसे आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। नहीं लेकिन मुझे आपकी ना ये साड़ी सही नहीं लग रही। मैं साफ कर देता हूँ। अरे मैं इट्स ओके, मैं करता हूँ ना। मैं कर लूंगी। वैसे आपकी ये साड़ी भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये क्या कोई लेटेस्ट फैशन है क्या? बड़ी खूबसूरत लग रही है आप इसमें। रजत को क्या हो गया? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं ये? तुम खुद नहीं जानते माँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सॉरी भाई, अनमोल को पाने के लिए एक छोटा सा चक्रव्यूह रचना पड़ा, क्योंकि जब तक प्रिंसेस भाभी को नहीं मिल जाती तक आप भाभी के पास लौट कर नहीं जाएंगे, और जब तक आप नहीं लौटेंगे अनमोल मुझे नहीं मिलेगी।
माफ कीजिएगा, पर हम यहाँ ये तमाशा देखने नहीं आए थे। यस सर। चलिए। नहीं रुकिए रुकिए, एक मिनट। रजत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसा व्यवहार कर रहे हैं सबके सामने? बंद कीजिए ये तमाशा। क्या अनमोल, चलो हम भी डांस करते हैं। छोड़िए। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।